डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोगों ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन बीच में सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल पेपर, जीएस पेपर, पीटी मेंस, ऐसे प्रश्नों की दुविधाओं के कारण कई सारे बीच में एपिसोड्स आए और ये टॉपिक हम लोगों का पीछे छूट गया। दरअसल 3-4 दिनों पहले ही हम लोगों ने एक पर्सनैलिटी पर, जो बिहार की पर्सनैलिटी पर हम लोग कर रहे थे, एक टॉपिक कर रहे थे, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कर रहे थे, अब उसे फिर से चलाया जाएगा, वो चलेगा, उसी से संबंधित आज का ये टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा था। ये टॉपिक था बिहार का भूगोल से संबंधित, बिहार की भौतिक बनावट और संरचना, यानी फिजियोग्राफिक डिविज़न ऑफ बिहार, बिहार के क्या भूखंड, जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 5 टॉपिक्स वाला जो सब्जेक्ट पर बेस्ड हम लोग कर रहे थे, 5 टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट से, वो हम लोग इसके बाद वाले एपिसोड में करेंगे। आज ये एपिसोड आ गया है तो इसे भी हम लोग देखते हैं। दरअसल बिहार के भूगोल में हम लोग जब भी बात करते हैं तो बिहार का मैदान हम में से अधिकतर लोग जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बिहार में उसकी भौतिक संरचना कैसी है, क्या बिहार में जंगल नहीं है, वन प्रदेश नहीं है, क्या बिहार में पठार नहीं है, प्लेटोस, माउंटेन्स नहीं है, अगर हैं तो फिर कहाँ है, तो टॉपिक यही है। दरअसल बिहार अपने भौतिक स्वरूप में 3 भागों में विभाजित है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे कि बिहार का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, तो बिहार दरअसल 3 भागों में विभाजित होगा, अगर इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। 1, उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, जो दरअसल शिवालय का दक्षिणी प्रदेश है, शिवालय का विस्तार है, हिमालय का सबसे नीचे का जो क्षेत्र है उसे हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं, पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, यानी शिवालिक रेंज। बिहार का उत्तरी क्षेत्र दरअसल उत्तर पश्चिम का एक पतली सी पट्टी के रूप में हिमालयी क्षेत्र विद्यमान है हमारे बिहार के भौतिक प्रदेश में, वो हम लोग अभी देखेंगे कहाँ है। दूसरा, बिहार का अधिकतर भाग प्लेन है, मैदान है, सही है, अधिकतर लोग जानते भी हैं। और बिहार में जो बिहार का दक्षिणी भाग है, साउदर्न मोस्ट जो प्लेसेस हैं, वो दरअसल हाईलैंड्स हैं जिसमें माउंटेन्स हैं, और प्लस प्लेटोज हैं यानी पठारी भाग है। पहाड़ के साथ साथ बिहार के दक्षिण में पतली सी पट्टी के रूप में दक्षिणी भाग में, दक्षिण पश्चिम में पठारी भाग है यानी प्लेटो है, जिसे कैमूर का पठार कहते हैं। तो अगर बिहार के भौतिक विभाजन की हम लोग बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि बिहार का भौतिक विभाजन हम 3 रूपों में कर सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र जो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी आती है मुख्य रूप से, बीच में मैदानी भाग है जो पूरे बिहार का लगभग 96% है, और दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में पतली सी पट्टी के रूप में पठारी भाग भी मौजूद है। तो दरअसल अगर हम इस मैप को देखना चाहें तो इस मैप से हमें समझ में आएगा कि बिहार का स्वरूप कैसा है, इसकी बनावट संरचना, फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है। ये पूरा बिहार का मैप है जो दरअसल एक चतुर्भुजाकार है। इसमें पूरा आप देखेंगे कि बिहार एक मैदान है, प्लेन है, लेकिन बिहार के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, यानी नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और पश्चिम में ये पतली सी पट्टी के रूप में हिमालयी क्षेत्र मौजूद है, जिसे हम लोग हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, यानी सोमेश्वर श्रेणी, यानी हिमालय का पतला सा वो क्षेत्र जो एक पट्टी के रूप में, ये हिमालयी पर्वत पदीय प्रदेश की पतली सी पट्टी जो पश्चिम चंपारण में है, ये मौजूद है। तो यानी हिमालय का अगर कहा जाए कि विस्तार भार बिहार में कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में एक पतली सी पट्टी 6 से 8 किलोमीटर, ये एक स्ट्रिप है, ये मौजूद है। तो हिमालयी क्षेत्र का विस्तार, बीच में मैदान है, और अगर हम कहें कि दक्षिण में मैप में ये उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ये दरअसल हाईलैंड्स हैं, यानी बीच बीच में पहाड़ और पठारी क्षेत्र हैं। तो पहाड़ तो काफ़ी हैं, हम लोग अभी इसे देखेंगे, बीच में पतली सी एक पट्टी स्ट्रिप पठारी क्षेत्र का दिखाई देता है। पठार का बड़ा महत्व है, अभी हम लोग देखेंगे क्यों। ये हमारा दक्षिणी भाग है जिसमें
ये पतली सी पट्टी के रूप में पठारी भाग मौजूद है जिसे कैमूर का पठार कहते हैं, जिसमें मूल रूप से भभुआ और रोहतास, यानी भभुआ का हेडक्वार्टर कैमूर और रोहतास है, कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ और रोहतास का हेडक्वार्टर ससराम। तो ये पतली सी पट्टी जिसमें भभुआ और ससराम के छोटे से क्षेत्र आते हैं, ये दरअसल पठारी भाग जो प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटों का विस्तार है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, ये हमारा भौतिक विभाजन है जिसमें बीच में ये गंगा नदी मैदान को दो भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। ये गंगा नदी दरअसल इधर से दक्षिण से सोन नदी, उसके बाद उत्तर से घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इन सारी नदियों से पूरित होते हुए ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में निकलकर बंगाल की खाड़ी में गंगा गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। ये बीच में गंगा उत्तर और दक्षिण में बिहार को बांटती है। तो हम कहेंगे कि बिहार के भौतिक बनावट में पहाड़ भी हैं, हिमालय के अंश भी हैं, बीच का पूरा मैदान है और दक्षिण पश्चिम में पतली सी पट्टी पठारी क्षेत्र भी है। ये सब मिलकर बिहार का भौतिक भूगोल बनाते हैं, यानी फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार करते हैं। तो ये दरअसल हो गया। अब आइए इनका डिवीज़न करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर का जो हिमालयी क्षेत्र है ये दरअसल किन किन नामों से जाना जाता है और एग्ज़ाम में ये बराबर आ जाता है, जैसे कि दून घाटी कहाँ है, हरहा घाटी कहाँ है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। इसको आप एक बार देख लें, चूँकि ये हम अब मिटाएंगे। ये पूरा भौतिक प्रदेश है। अब इसका विभाजन करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार का भौतिक प्रदेश दरअसल एग्जैक्टली किन किन ज़िलों में किस तरह से विभाजित है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि तीन भागों में बिहार का भौतिक विभाजन दिखाई देता है, सबसे उत्तरी भाग को आइए देखते हैं। ये है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश, यानी फुटहिल्स ऑफ हिमालय। इसे भी हम लोग ऊंचाई और गहराई के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं, बल्कि बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ्स, यानी उच्चावच के आधार पर इस पर्वतपदीय प्रदेश को भी, जो छोटी सी पट्टी के रूप में पश्चिम चंपारण में विस्तृत है, ये भी ऊंचाई और गहराई के आधार पर तीन भागों में विभाजित हो जाता है। एक सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा दून घाटी जिसे हरहा घाटी भी कहते हैं, और रामनगर दून सबसे दक्षिणी क्षेत्र, यानी हिमालय का सबसे बिहार में दक्षिणी क्षेत्र रामनगर दून है। तो आइए सोमेश्वर श्रेणी क्या है। ये हिमालय का ऊंचा एक श्रेणी में लंबाई में पहाड़ी क्षेत्र है, जो दरअसल त्रिवेणी नहर से भिकना ठोड़ी दर्रे तक फैला हुआ है। दरअसल इस क्षेत्र में कई पास दर्रे मिलते हैं। दर्रा हम उसे कहते हैं जब आंतरिक हलचलों के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण, जो पहाड़ है, हाईलैंड्स है, उसमें क्रैक आता है, उसमें रिफ्ट आता है। तो ये रिज या रिफ्ट के कारण ये जो दरार पड़ जाता है प्राकृतिक रूप से, ये दरअसल इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों के आवागमन का साधन उपलब्ध करा देता है। प्राकृतिक रूप से ये दर्रे ही दरअसल दो पहाड़ी क्षेत्र इधर और उधर को जोड़ने का साधन बनते हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे दर्रे हैं, पासेस हैं, जो इस श्रेणी में स्थित हैं। त्रिवेणी नहर से लेकर भिकना टोड़ी तक सोमेश्वर श्रेणी विस्तृत है। ये बिहार का सबसे हाईलैंड है, सबसे ऊँचा क्षेत्र है, जिस पर सबसे हाईएस्ट पीक बिहार का सोमेश्वर किला है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंचा स्थान बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है, उसमें भी सोमेश्वर किला यानी सोमेश्वर फोर्ट, अब फोर्ट नहीं है वहाँ पर, सब रुइंड है, तबाह हो चुका है। तो माना जाता है कि ये सबसे ऊंचा स्थान है, ये सोमेश्वर श्रेणी, जो बिहार का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है, पश्चिम चंपारण में। ये त्रिवेणी से भिकना टोड़ी तक है विस्तृत है। 6 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, एक स्ट्रिप है जो हम लोगों ने अभी मैप में देखा था, और इसमें कई सारे दर्रे हैं, सोमेश्वर दर्रा, भिकना ठोरी दर्रा, मारवात दर्रा, ये पासेस आपको जानना है, एग्ज़ाम में आते हैं। और ये दरअसल
सेडिमेंटरी रॉक्स यानी परतदार चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें प्रायः सैंडस्टोन बलुआ पत्थर मिलता है। तो सोमेश्वर श्रेणी का ये मुख्य रूप से है। अगर आपसे कोई पूछता है सोमेश्वर श्रेणी क्या है, तो बिहार का सबसे उत्तरी क्षेत्र, जहाँ पर बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जो दरअसल त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में है, से भिखना थोड़ी दर्रे तक विस्तृत है। दूसरा है दून घाटी, इसी के पैरेलल, सोमेश्वर श्रेणी के पैरेलल इसी 6 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई में घाटियाँ बनी हुई हैं। अभी हम लोग उच्चावच की बात कर रहे थे, ऊंचाई और गहराई की, तो ये तो सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ी क्षेत्र है, इसके पैरेलल नदियों से बने हुए, उसके कटाव से बने हुए घाटियाँ हैं, यानी वैलीज हैं। हम घाटियाँ उन्हें कहते हैं जब हाईलैंड्स में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, नदियाँ अपने रास्ते में कटाव के दौरान चौड़े रास्ते बना देती हैं, तो उन्हें हम घाटी कहते हैं। तो यहाँ पर दून घाटी है, ये दरअसल सोमेश्वर श्रेणी के पैरेलल नदियों के बहाव से बना हुआ कटाव है, ये वैली। तो दून घाटी से हरहा घाटी भी कहते हैं, ये भी त्रिवेणी नहर से भिखना थोड़ी दर्रा तक विस्तृत है। तीसरा है उसके ठीक नीचे, यानी दक्षिण में, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में हिमालय का सबसे, बिहार में दक्षिणी क्षेत्र शिवालिक का रामनगर दून है। ये क्या है, ये शिवालिक श्रेणी का सबसे बिहार में दक्षिणी भाग है, साउदर्न मोस्ट पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिम चंपारण में विस्तृत है। इसकी भी चौड़ाई लगभग 6 से 8 किलोमीटर है। तो ये हमारा बिहार का हाईलैंड्स है, हिमालय का जो विस्तार है बिहार में पश्चिम चंपारण में, वो दरअसल शिवालिक रेंज के रूप में है, और ये तीन भागों में विभाजित है, आपको इसे ध्यान में रखना है। अब आइए इसके दक्षिण में मैदानी क्षेत्र कौन से हैं उसे देखते हैं। बिहार के भौतिक भूगोल की जब भी बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण इसका पक्ष होगा गंगा का मैदान। हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी बिहार को दो अस्पष्ट भागों में विभाजित करती है, जो इस रूप में हमें दिखाई देता है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब बिहार का जो मैदान है वो दरअसल गंगा नदी के विभाजन के कारण उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान के रूप में जानी जाती है, लेकिन दोनों मैदानी इलाका होने के बावजूद अपनी विशेष स्थलाकृतियों के कारण एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक हो जाती है। क्या है ये विशेष स्थलाकृतियाँ? अगर हम उत्तरी बिहार के मैदान की बात करेंगे तो उत्तरी बिहार का मैदान ऊंचाई में कम है, लगभग समतल है, नदियाँ जो बहती हैं वो लगभग प्लेन्स में बहती हैं, यहाँ पर हाइट कम मिलता है नदियों को, नतीजा है कि पानी में ठहराव दिखता है। और उत्तरी बिहार के मैदान अपनी बारिश, बाढ़ और नदियों के कारण खास तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे दियारा भूमि, चौर भूमि, छाड़न झील। तो ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं, ये विशेष स्थलाकृतियाँ हैं, उत्तरी बिहार के मैदानों में दिखाई देती हैं। इसे हम लोग अभी देखेंगे। ये 6 नदियाँ, इन्हें आपको समझना और जानना चाहिए, इनका क्रम भी। ये आपको उत्तर में भोजपुर से लेकर नीचे में आपको कटिहार तक आपको दिखाई देंगी। ये 6 नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं, उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं, जो गंगा को जल से आपूर्ति करती हैं, और साल भर लगभग इन नदियों में पानी दिखाई देता है। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये 6 बड़ी नदियाँ उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं, जो भोजपुर से शुरू होकर कटिहार तक नदियों का विस्तार करती हैं, और एक बहुत ही उर्वर यानी फर्टाइल रीजन का, उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं। इसमें बीच बीच में दियारा भूमि दिखाई देता है। ये दियारा भूमि क्या है? दरअसल बाढ़ के दिनों में इन सारे क्षेत्रों में, खासकर वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, चंपारण, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ के दिनों में पानी अधिकतर भूखंड में, जो लो लैंड्स हैं, वहाँ पर जमा हो जाता है। लेकिन जब पानी उतरता है तब इन नदियों के बीच में बहुत सारे उठे हुए, उभरे हुए भूखंड दिखाई देते हैं, जहाँ पर फिर से लोग खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, रहने लगते हैं, मवेशी, चारा, ये सब पुनः दिखाई देता है। तो ये उभरी हुई भूमि जो बाढ़ का पानी उतर जाने के कारण दो या अधिक नदियों के बीच दिखाई देता है, सूखा हुआ ड्राई लैंड, जो लो लैंड है, इसे ही दियारा भूमि कहते हैं। आपने राघोपुर दियारा के बारे में सुना होगा, जो हाजीपुर वैशाली के पास पूर्व मुख्यमंत्री राबी देवी का
निर्वाचन क्षेत्र भी रहा है, राघोपुर दियारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा बिहार के सबसे बड़े दियारा में से एक है राघोपुर दियारा वैशाली का। तो ये दियारा भूमि दरअसल उभरी हुई भूमि है। दूसरा है चौर भूमि, उत्तरी बिहार के गंगा के मैदानी इलाकों में ये चौर भूमि दिखाई देती है। चौर भूमि क्या है? तो जब बारिश का पानी या बाढ़ का पानी ऐसे क्षेत्रों में लंबे समय तक रह जाता है, बहुत लो लैंड, दियारा भूमि तो सूखी भूमि है जब पानी उतर जाती है तो, लेकिन चौर जो है वो डैम्प एरिया है, दलदली एरिया है जो दियारा से और लो लैंड है, जहाँ पर साल के 8 महीने या उससे भी ज़्यादा वेट लैंड, दलदली भूमि दिखाई देती है, यानी ऐसी भूमि जो लगभग साल के अधिकतर दिनों में दलदली या पानी से भरी हुई रहती है, कम पानी से, या वेट लैंड, इन्हें हम चौर के रूप में जानते हैं, जो उत्तरी बिहार की एक प्रमुख विशेषता है। और छाड़न झील, छाड़न दरअसल छोड़न शब्द से बना है, छोड़ देना। जब नदियाँ सूखने लगती हैं, उनका बहाव कम होने लगता है, तो रास्ता बदल लेती हैं, तो पुराने रास्ते से रास्ता बदलने के कारण बीच में तटबंध, प्राकृतिक तटबंध बन जाता है, बालू मिट्टी के जमाव के कारण पानी का कटा हुआ क्षेत्र एक झील का निर्माण कर लेता है, तो छोड़न झील या छाड़न झील का निर्माण होता है। झील आप जानते हैं चारों ओर से भूखंड से, ज़मीन से घिरा हुआ पानी का रिजर्वायर आप झील कहलाता है, लेक यानी, तो ये छोड़न झील या छाड़न झील, छाड़न लेक, ये उत्तरी बिहार की विशेषता है। तो ये हमें समझना है, उत्तरी बिहार के मैदान में ये नदियाँ दरअसल आपको भोजपुर से लेकर कटिहार तक के बीच इन सारी नदियों के द्वारा एक फर्टाइल लैंड का निर्माण करती हैं। जिसमें अब आइए दक्षिणी बिहार की अगर हम बात करें, दक्षिणी बिहार का मैदानी इलाका थोड़ा भिन्न है। क्या भिन्न है? यहाँ ऊंचाई है। दक्षिणी बिहार दरअसल अपने हाई लैंड्स के कारण जाना जाता है। आपने जाना होगा कि झारखंड दक्षिणी बिहार से अलग हुआ, तो बिहार का दक्षिणी भाग इसी कारण काफ़ी ऊंचा है, जिसमें बीच बीच में बहुत सारी पहाड़ी और पठारी भाग दिखाई देते हैं। तो मैदान होते हुए बीच बीच में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र इन मैदानी इलाकों में दिखाई देते हैं। ये क्या है यहाँ की विशेषता, ये देखते हैं। शाहबाद का मैदान यानी आरा बक्सर के एरिया का, मगध का मैदान, मगध यानी पटना और गया के आसपास का इलाका, टाल क्षेत्र, दक्षिण बिहार के मैदानी इलाकों में टाल एक बड़ी महत्वपूर्ण भूखंडीय विशेषता है, यानी लैंडफॉर्म है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है लैंडफॉर्म्स का। टाल क्षेत्र, मोकामा टाल का नाम आपने सुना होगा, दरअसल बख्तियारपुर से लेकर मोकामा और लखीसराय, बढ़िया लखीसराय तक जो लो लैंड्स हैं दक्षिणी बिहार के, जो लो लैंड्स हैं जो बारिश के दिनों में या बाढ़ के दिनों में पानी से भर जाते हैं, इनको हम टाल कहते हैं। मोकामा टाल, पूरा मोकामा एक टाल है, जो दरअसल बख्तियारपुर से शुरू होकर बढ़िया, मोकामा, लखीसराय तक चला जाता है। तो ये दरअसल टाल क्षेत्र उत्तरी बिहार के मैदान की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी लो लैंड दक्षिणी बिहार का। किऊल का मैदान, किऊल नदी जमालपुर तक, मुंगेर तक, ये जो नदी बहकर जाती है, ये अपना मैदान का निर्माण करती है। और चंदन नदी का मैदान, भागलपुर, बांका, जमुई के आसपास का क्षेत्र चंदन नदी का मैदानी इलाका का निर्माण करता है। ये दक्षिणी बिहार के मैदानी इलाके, जिनकी विशेषता क्या है कि ये हाई लैंड्स हैं, इनमें बीच बीच में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र दिखाई देते हैं, साथ में शाहबाद, मगध, क्यूल का मैदान दिखाई देता है, टाल क्षेत्र दिखाई देता है, चंदन नदी का मैदान है, ये दक्षिणी बिहार के मैदानी इलाकों को विशेषता प्रदान करता है। तो ये दरअसल दक्षिणी बिहार के मैदान की विशेषता है। आइए दूसरा पक्ष देखते हैं। दरअसल दक्षिणी बिहार की उच्च भूमि की जब बात आएगी, अभी हम लोगों ने देखा उत्तर बिहार का हाईलैंड्स यानी पहाड़ी प्रदेश, बीच का मैदानी भाग जो गंगा का उत्तर और दक्षिणी मैदानी भाग है, और तीसरा पक्ष है दक्षिणी बिहार की उच्च भूमि, इसे हमने थोड़ा दूसरे ढंग से समझाया है, आपको समझ में आसानी आएगी, जबकि किताबों में थोड़ा दूसरे ढंग से भी दिया हुआ है,
आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। दक्षिण बिहार दरअसल हाई लैंड्स है, उच्च भूमि है, क्योंकि ये झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, तो निस्संदेह ये क्षेत्र ऊंचा होगा क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन ये हाई लैंड्स किस तरह का हाई लैंड्स है? इसमें पहाड़ है और पठार है, कई सारे पहाड़ियां हैं। याद रखें, पहाड़ी या माउंटेन हम उसे कहते हैं जिसमें ऊंचाई अधिक हो, जिसमें नुकीले शिखर हों और जिनका ढाल तेज हो, हम उन्हें माउंटेन या पहाड़ कहते हैं। जबकि प्लेटो या पठार कहते हैं जिनमें ऊंचाई कम हो, ऊपर का एरिया थोड़ा फ्लैट हो और स्लोप थोड़ा सा धीमा हो, तेज़ नहीं हो, धीमा हो। तो ऐसे जो हाईलैंड्स हैं उनको हम पठार या प्लेटो कहते हैं रफली। तो ये हमारी जो उच्च भूमि है इसमें पहाड़ी और पठार दोनों दिखाई देते हैं। तो इसे आपको जानना चाहिए, एग्ज़ाम में पीटी और मेंस दोनों में ये बड़े महत्वपूर्ण है, इसे समझ लीजिए। ये जो बिहार का हाईलैंड्स है इसे हमने चार भाग में बांट दिया है, पहाड़ और पठार को डिवाइड करके। दरअसल बिहार का बहुत छोटा सा एरिया, एक पतली सी पट्टी, दक्षिण का सीमांत एरिया पठारी क्षेत्र है, जिसे कैमूर का पठार कहते हैं। यानी पहाड़ के अलावा जो पठारी रीजन है बिहार में वो बहुत ही छोटा सा रीजन है। यानी कि ये एरिया जो कैमूर के पास है, नीचे वाले एरिया में भभुआ रोहतास के पास, यहाँ पर पठारी भाग दिखता है। ये पठारी भाग आप ध्यान रखें, एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पठारी भाग दरअसल विंध्य का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, विंध्य पर्वत का विस्तार है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जो कैमूर का पठार है वो दरअसल प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण का जो पठारी भाग है उसी का अंदर अंदर बिहार में निकला हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग, यानी उभार है, हाईलैंड्स है। तो ये ध्यान में हमें रखना है। रेस्ट पहाड़ी है, यानी माउंटेन है। माउंटेन हम उसे कहते हैं जिसमें शिखर हो, शार्प ढलान हो और ऊंचाई अधिक हो। तो ये पठार नहीं, तीन पहाड़ियां, तीन बल्कि और भी हैं, तीन मुख्य हैं दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र। आपने देखा अभी कि उत्तर बिहार का हिमालयी क्षेत्र हमने किया, वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो हिमालय का विस्तार था पश्चिम चंपारण में, जो पतली सी पट्टी हमने पढ़ा। ये पहाड़ी जो है ये छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, यानी कि ये झारखंड के पठारी भाग का अंदर ही अंदर बिहार की तरफ बाहर निकला हुआ क्षेत्र विशेष में उभार है। यानी ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जो दरअसल छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, हिमालय का नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा नागपुर पठार का अंदर ही अंदर, चूँकि ज़मीन के अंदर जो भूखंड है वो तो सब पहाड़ी है, उसी में जब बाहर निकल आता तो हम उसे पठार या फिर पहाड़ कहते हैं। तो छोटा नागपुर पठार का जो उभार है बीच बीच में इन क्षेत्रों में, ये दरअसल पहाड़ी क्षेत्र हैं उसके। गया की पहाड़ी, बिहार का दक्षिणी बिहार में गया की पहाड़ी, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, जिसमें बराबर की पहाड़ी बहुत मशहूर है, आप सब जानते होंगे, जहानाबाद ज़िले में है बराबर की पहाड़ी, जिसे अशोक ने उसमें कई सारे गुफा का निर्माण किया था। राजगीर की पहाड़ी नालंदा ज़िले में, बिहार शरीफ, गिरियक की पहाड़ी यहाँ पर बहुत मशहूर है, नालंदा और राजगीर में गिरियक की पहाड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट। खड़गपुर की पहाड़ी, जमालपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, इन सब क्षेत्रों को टच करती हुई, ये दरअसल जमालपुर, मुंगेर, जमुई, मुख्य रूप से खड़गपुर की पहाड़ी, आजकल ये नक्सल रीजन बना हुआ है। आप उधर अगर आप जाएंगे हावड़ा की तरफ तो ये क्यूल के रीजन में, ये खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर की तरफ, और उधर से भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल निकल कर हावड़ा चला जाता है रेल लाइन, बिहार का सबसे पहला रेल लाइन 1860-62 में इसी भागलपुर रेंज में शुरुआत हुई थी। ये खड़गपुर की पहाड़ी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दरअसल बिहार का भौतिक प्रदेश है। हम लोगों ने इसे तीन भाग में विभाजित किया, उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, गंगा का मैदान और दक्षिण का उभार, यानी कि उच्च भूमि, हाईलैंड्स ऑफ द साउथ ऑफ बिहार। उत्तर की पहाड़ी को जो पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो शिवालय का
पर्वतपदीय प्रदेश है उसको हमने तीन भाग में विभाजित किया था, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी जिसे हरहा घाटी भी कहते हैं, और रामनगर दून। उसके मैदानी भाग को हम लोगों ने दो भाग में विभाजित कर दिया, उत्तर का मैदान, दक्षिण का मैदान। उत्तर के मैदान में हम लोगों ने देखा कि दियारा भूमि है, छौड़न झील है, उसके बाद चौर है, साथ ही ये लो लैंड है जिसमें घाघरा से लेकर आपको महानंदा तक सहायक नदियां गंगा की मिलती हैं। और हम लोगों ने फिर दक्षिण बिहार के मैदान में देखा कि किस तरह से टाल क्षेत्र मिलता है, मगध का मैदान है और ये सारे क्षेत्र। और अब ये हाईलैंड्स में हम लोगों ने देखा कि दरअसल हाईलैंड्स में पठार और पहाड़ दोनों मिलते हैं। पठार भभुआ का, कैमूर का पठार है जो विंध का विस्तार है, और विंध दरअसल प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है कैमूर का पठार, भभुआ और ससाराम में इसके प्रभाव हैं। और उसके बाद जो दक्षिण में ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये दरअसल गया, राजगीर और खड़गपुर के रूप में मिलती हैं ये हाईलैंड्स, ये छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। तो ये इस तरह से हमें दरअसल बिहार के भौतिक प्रदेश को समझकर पढ़ना चाहिए। अब अगर इस पर आपका मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको इस शब्दावली में बांधना दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम शुरू कर सकते हैं। बिहार का भूखंड प्राचीनता और नवीनता का संगम है, जिसमें एक तरफ बहुत प्राचीन भूखंड है तो दूसरी तरफ सबसे नवीन भूमि हमें दिखाई देती है। बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड कैमूर का पठार, उसके बाद हिमालयी का जो पर्वतपदीय प्रदेश है, यानी जो पतली पट्टी हम लोगों ने देखा शिवालिक करंज, नेक्स्ट और सबसे नवीन है गंगा का मैदान, सबसे नई संरचना। तो बिहार का जो भौतिक प्रदेश है ये दरअसल इस रूपों में विभाजित है, नवीनता और प्राचीनता का संगम है। इसमें एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं तो दूसरी तरफ विशाल गंगा का मैदान है जो उसे विशाल सहायक नदियों के द्वारा उर्वर भूमि के रूप में विशालता प्रदान करती हैं, जो बहुत उर्वर प्रदेश बिहार को बनाती हैं, जिसमें बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को मैदानों से पाट देती हैं। दूसरी तरफ सबसे दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में पठारी भाग भी है जो दरअसल विंध का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, और फिर यहीं पर उच्च भूमि भी बीच बीच में उभार के रूप में जो छोटा नागपुर के पठार के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत 6-7 पेजेस आप लिख सकते हैं मेंस के लिए। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में उतार लें, मेंस में भी आप लिख सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में अभी हम प्रश्न आपको बनाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बड़े शानदार प्रश्न बनेंगे। अब आपको इनको बुक से भी पढ़ना होगा, आप केवल क्रॉन पढ़ लें काम चलेगा, विवास हो सके तो पढ़ लें, केबीसी नैनो भी है बट ये टॉपिक उसमें अच्छा, इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है। दूसरे में ये बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स के किताब की बड़ी कमी है, अच्छे बुक्स की बहुत कमी है। लेकिन अगर बिहार का स्पेशल आपको पढ़ना है आप क्राउन का ले लें, बिहार स्पेशल बहुत अच्छी बुक है। हम आपको पढ़कर बताते हैं, किसी के प्रभाव में आकर नहीं, आप हमारा विश्वास कर सकते हैं, हम खुद पढ़ते हैं तभी आपको हम बताते हैं, और जब हमें विश्वास होता है, आनंद आता है, तब आपको हम सजेस्ट करते हैं। तो आप पढ़ें और इसे और अच्छे से समझ लें, ऑब्जेक्टिव बना लें, अपना ध्यान रखें। यहीं पर रोकेंगे, टेक केयर।